हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज जिस फ्लावर को आपको दिखा रही हूँ, इसको अजेलिया कहते हैं। आप सभी जानते हैं विंटर में अजेलिया का बहुत सारे फ्लावर आते हैं। ये देख पा रहे हैं अजेलिया का, अजेलिया मॉडरेट क्लाइमेट में बहुत अच्छे होते हैं। अरे ये है, आप जानते हैं रोज़ है, इसके लिए भी विंटर सीजन बहुत अच्छा होता है। विंटर में हम जानते हैं कितने अच्छे रोज़ खिलते हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कैसे हम इसमें फर्टिलाइजर देती हूँ, जैसे बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। आप देख पा रहे इसकी सभी ब्रांचेस में कैसे फ्लावर बर्ड्स आ गया है। ये देख पा रहे, इसके लिए हमने जैसे 2 काउ डंग केक ऐसे पानी में 3 दिन ऐसे भिगो के रखा है। इसके बाद जो ये सॉल्यूशन मिलेंगे, वही सॉल्यूशन से और थोड़ा नीम खोली मिला के हमने ये फर्टिलाइजर बनाएंगे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा है, इसमें 1 टेबलस्पून जैसे नीम खोली मिला लिया हमने। इसको अभी ऐसे ब्लेंड है, ऐसे अच्छी तरह से आप मिक्स करने के बाद आप सभी फ्लावर पॉट्स में 100-100 ग्राम ऐसे डाल देंगे हफ्ते में एक बार। ये मेरी जिलिया है, ये रोज है, देख पड़े मेरी सभी मेरी गोल्ड कैसे खिला है। इसमें आप देख पा रहे कितने सारे फ्लावर और फ्लावर बर्ड्स आ गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।